हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपना तीज ब्लॉग। मैंने क्या क्या किया, व्रत को कैसे रखा, कैसे व्रत को पूरा किया, तो सारी चीजें मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भुजिया बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा और इसमें डाला है 2 चम्मच घी। और अभी से हम अच्छे से मिला लेंगे। और घी को मिलाने के बाद इसमें हम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, थोड़ी थोड़ी पानी मिलाते हुए इसे गूंथ लेंगे। देखिए इसका हमने डो तैयार कर लिया है। डो को हम कड़ा ही रखेंगे, इसे सॉफ्ट नहीं करना है। जैसे हम पूरी के लिए लगाते हैं उससे भी थोड़ा सा कड़ा डो तैयार किया है मैंने। और अब हम इसे तकरीबन आधे घंटे तक के लिए सेट होने के लिए रख देंगे ढककर। अब हम गुजिया का भड़ावन तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया 1.5 कप सूजी और घी। इसे आपस में लाल होने तक भून लेना है अच्छे से। ध्यान रखना है हमें आँच ज़्यादा तेज नहीं करनी है, बिल्कुल ही मीडियम और स्लो के बीच में आँच को रखेंगे और इसे लाल होने तक भून लेंगे। गुजिया यहाँ तीज में बनता है, ओकेजनली बाकी त्योहारों पे भी बनाया जा सकता है, पर तीज में ये बनता ही है। और इसका हम प्रसाद के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, भोग लगाते हैं भगवान जी को। और तब तक हमारा सूजी भून चुका है और अब हम बनाएंगे चीनी। और 1 कप चीनी 1 कप पानी को मिला दिए हैं। चाशनी नहीं बनाना है हमें, बस चीनी को इसमें घोल लेना है। तो ये बहुत ही ख़ास अवसर पे बनने वाला ये रेसिपी है। बाज़ारों में भी आसानी से मिल जाता है, तो पहले तो मैं बाज़ारों से ही यूज करती थी। मैं पहली बार ये बना रही हूँ घर पे खुद से। और इसमें अब हम सूजी को मिला देंगे। इसमें सारे ड्राई फ्रूट मिलाए, इलायची पाउडर, नारियल पाउडर, आप चाहे तो कसा हुआ नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिला के थोड़ी देर पकाएंगे और फिर इसे ठंडे होने के लिए एक तरफ से रख देंगे। गुजिया को यहाँ लोकल में पिरुकिया भी कहते हैं, तो ज़्यादा उसी नाम से प्रचलित है गुजिया। अभी बिल्कुल ठंडा हो गया है तो अब हम गुजिया को बनाते हैं। तब तक हमारा आटा भी सेट हो चुका है। अब हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे, मीडियम सी लोइयाँ बनाएंगे इसकी, जैसे पूड़ियाँ बेलते हैं बिल्कुल उस तरीके से। और ये देखिए पूड़ी को बेलने के बाद हमने इसमें डाल दिया है भरावन को। और अब हम इसे दबा के इसके सांचे में ढाल लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है, बना है ये हमारा गुजिया आसान। तो ये गुजिया हमने बना लिया है और अब हम एक एक करके इसे डीप फ्राई कर लेंगे, दोनों तरफ से लाल करके हमें पका लेना है। और तब तक मैं आपको बात भी कर लेती हूँ आप लोगों से। ये जो तीज का व्रत है आज जो हमने रखा है, मैंने भी इस व्रत को रखा हुआ है, तो ये सभी महिलाएं विवाहित और अविवाहित लड़कियां भी करती हैं। इसमें हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं, पार्वती माँ की पूजा करते हैं और ये निर्जला उपवास होता है। और इस व्रत का पारण, या ये यूँ कहिए व्रत कल सुबह पूरा होगा, कल सुबह में पूरा होगा, इसका पारण किया जाएगा उसके बाद। और ये बिल्कुल अब मैंने कर ली है पूजा की सारी तैयारियां। पूजा की सारी तैयारी भी हो गई है और मैं भी तैयार हूँ, तो अब चलते हैं पूजा को कर सकते हैं। तो इस तरह से एक जगह पे हम सब ने मिलकर पूजा की है, तो पूजा संपन्न हो गया है। अगली सुबह स्नान और पूजा के बाद अब हम करेंगे व्रत का पारण, अपने व्रत को पूरा करेंगे। और इसमें मैं जो कर रही हूँ वो एक कपड़े का टुकड़ा है जो अपने आँचल में या दुपट्टे में ऐसे कई कोने में बांधते हैं, जो हमने भगवान जी पे चढ़ाया होता है पूजा के वक्त। व्रत का पारण हम करेंगे जौ के सत्तू से या जौ का आटा के ही। इसका हम भोग लगाते हैं भगवान जी को और फिर इसे खाकर ही अपना व्रत को पूरा करेंगे। तो अब इस तरीके से ये हरितालिका व्रत उपवास जो भी है वो पूर्ण होता है। और साथ ही गणेश चतुर्थी भी शुरू हो चुकी है कल से, तो 10 दिन के लिए गणेश भगवान आए हैं, तो उनकी भी सबको शुभकामनाएं है।